Basically, valency have an important role in a chemical reaction. Asan kapara, the during chemical reaction ke duran, jeke person ja chemical reaction ke anta, uhe elements jeke aaye, uhe ya to electron lose tha kar, ya through gain tha kar. Basically, sab elements yo chahega hai, after chemical reaction, we have to complete their uptake. यानी हू जन इलेक्ट्रॉन जन या वठन तो हम जी आखिरी शेल में केमिकल रिएक्शन का को अठ इलेक्ट्रॉन होते पर असन से ना से पिरानी टेबल में तो असन जा जेके भी एलिमेंट्स आए एक्सेप्ट नोबल गैसेस बाकी सब एलिमेंट्स उन जी आखिरी शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन या तो बाय या चार या छह या सत है पर अठ ना है तंकर एलिमेंट्स पांच ऑक्टेट पूरी कर ला है या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर ला है या तो गेन कर ला है या तो शेयर कर ला है जेजे नतीजे में असा जा बॉन्ड्स कर ला है आई बॉन्ड्स करे चल ला है जने केमिकल रिएक्शन थी ला है यानी असा वैलेंसी पे ये डिफाइन कर सकता तो वैलेंसी कहीं पे एलिमेंट्स जो तो आ ताकत होती है स्लाइड होती है जिनके जरिए केमिकल रिएक्शन में हिस्सा उठना है आई या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या तो गेन करता है मिसाल तौर से हम लोग केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो तो ऐसा यो दिसंदा से तो अक्सर बाला पूछता है जस्ट लाइक ऐसा लिखो था एल्यूमिनियम react with chlorine to produce aluminium chloride hane ite asa product me disunga ta ite three je kaisa likha hai aksar bala puchna hai sir why we have written three here there is a print ahi ko ite ta तो हाँ हिते ये जो आम रोल आए देयर इज अ वैलेंसी प्ले द रोल चाचे करे की दिसो ताने असा जे करे असा से एल्युमिनियम एल्युमिनियम के वेटा को नंबर आ 13 तो जे पाइरेशन में आ पर बेशन में आ आई आक्रिशन में 3 ते लेता आक्रिशन एड़ी तरह से क्लोरीन दिसो तो उनके एटॉमिक नंबर है 17 फाइनेंशियल मेंबर दे में 8 और आखिरी शेल में 7 निकला नाउ बोथ एलिमेंट्स एल्युमिनियम एज वेल एज क्लोरीन वांट्स टू कंप्लीट देयर अपटेक बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव कंप्लीट देयर अपटेक इन देयर ओरिजिनल स्टेट अंटिल दे रिएक्ट विद हाँ ये सारी संदासी एल्युमिनियम के मिसाल तो इन्हें के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहा है पर ट्रेन और टाइल आखिरी शेल में तो इन्हें के 5 इलेक्ट्रॉन कर रहा है 5 इलेक्ट्रॉन इनके के तो हाँ ये एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन पाया लूज कर तो सारी संदासी आफ्टर लूजिंग एल्युमिनियम हैव 2 8 एंड देयर वैलेंसी इज 3 उनके वैलेंसी 3 आ गई प्लस 3 चाकन देखो इलेक्ट्रॉन लूज कर दोआ उनके मतलब पावर इन दोआ पॉजिटिव कड़ी तरह से आसा क्लोरीन की संदासे क्लोरीन की आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन नाउ इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर अटैक एंड से हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स दैट्स व्हाई इट्स इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स हाँ एक इलेक्ट्रॉन ही गेन कर यानी गेन कर दो तो डेफिनेटली क्लोरीन के आखिरी शेल में ब अच्छ आई अच्छ यानी इनकी वैलेंसी आ गई ऊपर हाँ ये पहले एलिमेंट्स एल्युमिनियम एंड क्लोरीन जैसे ये पांच में रिएक्शन कर रहा है तो एल्युमिनियम की वैलेंसी आ है 3 एंड क्लोरीन की आ है ऊपर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन
इलेक्ट्रॉन आए वैलेंस में आए वो एक्सचेंज कर दिया है यानी कोई जो पे के पानी वैलेंस के द्वारा तब क्लोरीन के को आए इनकी वैलेंस या है 1 1 साच लिखना लायो आई ट्रे ही एल्युमिनियम क्लोरीन साच देन वी हैव टू राइट एल्युमिनियम क्लोराइड ताने साच लिखी सकोगा तो बेसिकली दिस इज द वैलेंस आती है दैट वी हैव रिटन हियर आई क्लोरीन बता है 1 के को आए लिखने की जरूरत को एड़ी तरह से आसान से लायो अक्सर एनदर केमिकल रिएक्शन सोडियम Na प्लस क्लोरीन असर संगा से थे तो सोडियम की वैलेंसी एटॉमिक नंबर आए जो 11 वैलेंसी नंबर ये भी अर्थ आखिरी शेल में क्लोरीन असर की खबर आई थे तो ये आखिरी शेल में ब अर्थ आखिरी शेल में सब यार कि नहीं प्राप्त है प्रूफ करवा हां इनके सब्ज इलेक्ट्रॉन को भी चल नहीं इनकी मजबूरी आ थी इलेक्ट्रॉन लूज कर यानी सोडियम की वैलेंसी आए प्लस पर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन पर यानी इनकी वैलेंसी पर आए माइनस पर देन वी हैव प्रिंटेड हियर Na प्लस 1 हियर माइनस 1 भाई इलेक्ट्रॉन पानी वैलेंसी भैया जब पानी में वैलेंसी एक्सचेंज कर ला पर अब इन्हीं की ही को आए एक लिखने की जरूरत को नहीं यानी भी नहीं है कि वैलेंस की साथ ही हो गया दे कैसे ली जाएगा दैट्स व्हाई वी यूज इट सॉरी डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें एक अधिक तरीके की समझा रिएक्शन बताई जा सके जैसे वैलेंस की इंपॉर्टेंस की तुम्हें अधिक जान दी जा सके थैंक यू।